हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जहाँ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सबको दिखाने वाले हैं आरिफ भाई आज पंछी विहार यानी कानपुर पंछी विहार में जा रहे हैं अपने सारस को देखने के लिए, जो उनका सारस कई दिनों से वहाँ पे क्वारंटाइन है। तो चलिए आप सबको हम दिखाते हैं आरिफ भाई को सारस से मिलकर, सारस का क्या रिएक्शन होता है। आप सब ऐसे वीडियो बने रहिए, आप सबको हम पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। फोर्स तो बहुत चुकिया करके अपनी फोर्स ही बहुत है। नहीं सर, मेरा फोर्स है। हाँ यार, अच्छी फोर्स ले लो मेरे से चुकिया से। चाय तो पहले आज कुछ अरे चाय थोड़ा चाय ले लेते फिर उसके बाद करते हैं। हेलो, इससे आप अंदर नहीं जाइए प्लीज प्लीज। बस नहीं आ जाएगा। ओके, क्या हाल है? पास आ थोड़ा। पहचान गए? पहचान गए? पहचान गए? बोल नहीं सकते। चलिए ठीक, बहुत जल्दी दोबारा आएंगे। थोड़ा सा अरे भाई अभी नहीं, वो इंजर कर लेगा पीछे जारी है ना। तो जल्दी सब ठीक हम हाँ, बन रहा बनना आप पर सर। इधर तो अच्छा, इधर से। हाँ भैया, आप लोग भी एक बार आ जाइए। वहीं पर रहो, वहीं पर रहो। हाँ हाँ, हाँ आप ही का, आप ही का बन रहा। नहीं नहीं हम भी आएंगे जी जी। एक बार उछल के दिखाओ, उछल के। हाँ हाँ उछल के दिखाओ, हाँ उछल के दिखाओ, हाँ हाँ उछल के दिखाओ। हाँ भैया, इसका नाम क्या रखा था आपने? उछल के दिखाओ। चलिए ठीक है, यहीं पर रहो, आराम से फिर आएंगे। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा कि आरिफ भाई जब उस अपने दोस्त सारस के पास पहुंचे तो उनको देखकर सारस कैसे उछलने कूदने लगा। और दोस्तों वो बहुत बड़ा यानी जिस पिंजरे में बंद था वो बहुत बड़ा था, उस वो सिर्फ अकेले ही था उसमें। और दोस्तों आरिफ भाई उसको टच नहीं कर सके क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बैरियर, तो दोस्तों वहाँ पे बैरियर यानी लगा हुआ था, यानी रस्सी बांधा हुआ था उसके उस पिंजरे के चारों तरफ, उसको उसके पास कोई नहीं जा सकता था। तो दोस्तों चलिए, आप सबको छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।